सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं माननीय मंत्री कृषि सह पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार से अनुरोध करता हूं कि वे अपना अभिभाषण प्रस्तुत करें. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति बिहार आदरणीय श्री बाबू चौहान जी, इस मौके पर बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति श्री रामेश्वर सिंह जी, इस मौके पर सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली आदरणीय डॉक्टर मंगला राय जी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी जी, इस मौके पर निदेशक पशुपालन श्री विनोद सिंह गुंजाल जी, इस मौके पर निदेशक गव श्री ए के झा जी, इस अवसर पर सेंटर फॉर डिजिट कंट्रोल एलांटा के वरीय वैज्ञानिक और इस कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी डॉक्टर शौकत कारी जी, इस मौके पर ब्रिगेडियर श्री प्रवीण कुमार जी, पूर्व कुलपति श्री आदरणीय गोपाल जी त्रिवेदी जी, पूर्व कुलपति बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय आदरणीय डॉक्टर एच आर मिश्रा जी, इस मौके पर प्रगतिशील किसान श्री सुधांशु कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित एकाधिक परिषद के सम्मानित सदस्यगण, राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारीगण, बिहार पशु विज्ञान विद्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, वैज्ञानिकगण, सभी हमारे छात्र छात्राएंगण, आमंत्रित अतिथिगण, विशेषकर आज के दिन उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राएंगण, उनके परिजनों, सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं कर्मचारीगण, इस मौके पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे सम्मानित पत्रकार मित्रों, साथियों, देवियों और सज्जनों, मुझे आज यहाँ बिहार पशु विज्ञान विद्यालय पटना के प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पशुधन को आदिकाल से महत्ता दी गई है. महान सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में पशुओं के साथ नागरिकों की तरह व्यवहार किया करते थे और उनके कल्याण के लिए कई पशु चिकित्सालयों को का निर्माण करवाया था. इसके अलावा उन्होंने अनुपयोगी पशुओं के संरक्षण के कई उपाय भी की थे एवं उनकी कोई हत्या न करे उसका आदेश दिया. हमारे राज्य में लगभग 97.5% सीमांत एवं लघु किसान हैं जिनके पास राज्य का 96% पशुधन जाता है. किसानों और गांव के गरीब परिवारों की आय वृद्धि के लिए पशुपालन को प्रोत्साहन देना अति आवश्यक है. प्रदेश में पशुधन के कल्याण के लिए राज्य सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है. इसमें पशुओं का टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. सरकार समय समय पर बड़े पैमाने पर पशुओं का टीकाकरण कराने हेतु अभियान चलाती है जिससे पशुओं को विभिन्न रोगों से बचाया जा सकता है. इसी तरह पूरे प्रदेश में पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा जांच का केंद्र तथा कृत्रिम गर्भाधान के केंद्र खोले गए हैं जो पशुपालकों की सेवा कर रहे हैं. राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में 30 लाख कृषि रोड मैप लाया गया है. पहला कृषि रोड मैप 2008 में, दूसरा 2012 में, तीसरा 2017 में लाया गया है और उसके बेहतर परिणाम आ रहे हैं. हमारा दूध उत्पादन देश के औसतन वार्षिक वृद्धि दर से दुगुना रफ्तार से बढ़ रहा है. हाल के वर्षों में बिहार प्रदेश ने पशुपालन के क्षेत्र में, मुर्गी पालन के क्षेत्र में और मछली पालन के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए हैं. इस सफलता के लिए हम विभाग के सभी पदाधिकारियों, खासकर सचिव, डायरेक्टर और सभी पदाधिकारियों को हम बधाई देता हूँ. राज्य में कृषि एवं पशुपालन के विकास के लिए शिक्षा एवं प्रसार सबसे महत्वपूर्ण है. इसीलिए
कृषि रोड मैप इसके लिए व्यापक आत्मनिर्भर किए गए थे। इस विद्यालय की स्थापना करना हमारे तीसरे कृषि रोड मैप के लक्ष्यों के में प्रमुख रूप दर्शाया गया था। मुझे प्रसन्नता है कि अब विद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर और आज अपना प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है। साथ ही मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुल एवं कीमती समय दिया। विश्वविद्यालय का विस्तार कार्य तेजी से चल रहा है। किशनगंज में नए मत्स्यिकी महाविद्यालय की स्थापना इसका उदाहरण है। विश्वविद्यालय बनते ही शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधार को प्राथमिकता दी गई जा करके है। पारदर्शिता को प्रमुखता देने के लिए ई प्रशासन प्रणाली अपनाई जा रही है और मुझे खुशी है कि हमारे जो कुलपति हैं जाकर उनके कुशल अगुवाई में हमारा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर भारतीय संस्थान परिषद द्वारा संचालित विभिन्न राष्ट्रीय परीक्षाओं में अच्छी सफलता पाई है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण और सुधार परियोजनाओं के लिए बाहरी स्रोतों से बड़े पैमाने पर अनुदान प्राप्त किया है। स्वच्छ और हरा भरा परिसर देखकर काफ़ी प्रसन्नता होती है। मैं अल्पावधि में उत्कृष्ट कार्य और अधिक उपलब्धियों के लिए विश्वविद्यालय के फिर से मैं माननीय कुलपति महोदय का, रामेश्वर बाबू का, उनके सभी अधिकारियों का, वैज्ञानिकों का, कर्मचारियों को और विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। विश्वविद्यालय का समाज के प्रति विशेषकर किसानों के प्रति उत्तरदायित्व है। ज्ञान का लाभ समाज तक पहुँचे इसके लिए विश्वविद्यालय को गाँव से जोड़ने का काम करना होगा। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक तथा छात्र जब गांव-गांव जाकर वहाँ के पशुपालकों की आवश्यकताओं को समझेंगे तभी उन्हें समाज के प्रति कर्तव्य का बोध होगा। उन्हें गांव से जुड़कर पशुपालकों को विभिन्न प्रकार के बीमारियों की पहचान एवं उपचार आधुनिक तरीके से पशुपालन सही विपणन खाद्य सुरक्षा मानकों इत्यादि के बारे में जानकारी एवं प्रशिक्षण देना होगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय को किसान सहायता केंद्र भी खोलना चाहिए जिससे कि दुरुस्त पशुपालकों की समस्याओं का समाधान एवं महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से मिल सके। हमें अन्य किसानों को प्रोत्साहित कर पशु एवं मत्स्य पालन में सम्मिलित करना होगा। विश्वविद्यालय को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पशु विज्ञान केंद्र स्थापित करके किसानों को पशु विज्ञान से प्रभावी रूप से जोड़ा जा सकता है तथा किसानों को पशुधन से अधिक लाभ मिल सकता है। मैं मानता हूँ पशु विज्ञान के व्यापक प्रचार प्रसार से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पोषक तत्वों की परिपूर्ण से परिपूर्ण दूध, अंडा, मछली की उपलब्धता बढ़ाने से प्रदेश में महिला एवं जो बाल कुपोषण को रोका जा सकेगा। आजकल देश के अनेक भागों में लावारिस गौवंश की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि मात्र एक ट्रैक्टर कई बैलों को उनको भी बना देता है। इस मशीनीकरण के संभिग और निरपेक्ष भूखे प्यासे मवेशी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। भारत की आधुनिक खेती हर संस्कृति का है जो सकल किसान के जीवन में गौवंश को पुनः लाभकारी बनाकर ही डाला जा सकता है। गैर दुधारू पशु गोबर, गौमूत्र और पशु शक्ति दे सकते हैं। गोबर से यदि गोबर गैस बनाई जाए तो अच्छी खाद भी मिलेगी और ईंधन भी मिलेगा। सरकार की प्राथमिकता है। तीसरे कृषि रोड मैप में जैविक खेती सरकार की प्राथमिकता है। जैविक कॉरिडोर बनाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में और बहुत बेहतर तरीके से काम आगे बढ़ रहा है। बड़े स्तर पर गैस को व्यावसायिक रूप से सिलेंडर पैक करके उसे हम उपयोग में ला सकते हैं जिसका प्रयोग रसोई के ईंधन से अलावा वाहनों के ईंधन रूप में भी किया जा सकता है। इससे पेट्रोलियम आयात में कमी आए, स्वच्छ ईंधन भी उपलब्ध हो। गौमूत्र को जीवामृत खाद बनाकर आय का साधन बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पशु वैज्ञानिक नए प्रयोग के रास्ते सुझा सकते हैं और सरकार को पॉलिसी तैयार करने में अपनी विशेषज्ञ सलाह प्रदान कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग गाय की उपयोगिता और गाय के महत्व को भारतीय कृषि और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अगली पीढ़ी तक शिक्षा के माध्यम से पहुँचाने में आप सहायक सिद्ध होंगे। मुझे खुशी है कि देश के लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा कई ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। पशु मत्स्य के लिए केंद्र सरकार ने अलग मंत्रालय बनाया जा सकता है।
पशुपालन के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन की घोषणा की है। राष्ट्रीय गोकुल आयोग बनाया गया है। कामधेनु योजना पर 750 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पशुपालन मत्स्य पालकों को पहली बार कृषि किसानों का केसीसी लोन दिए जाते हैं, उसी तरह से सरकार ने ऐलान किया है कि जो पशुपालक राज्य में है, देश में है, मत्स्य पालक हैं, उनको भी केसीसी की सुविधा 3 लाख रुपए तक 4% के मात्र ब्याज पर यह सुविधा उपलब्ध कराने का सरकार योजना है। FMD तथा कृत्रिम प्रावधान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम देश में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी का अगुवाई में शुरू किया गया है, जो आने वाले समय में इसे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुझे खुशी है कि यह वर्ष हम भारतवासियों के लिए और जो दुनिया के कोने कोने में भारत के लोग रह रहे हैं, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनकी 185वीं जयंती हम मना रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा सिद्धांत को स्वीकार किया था, जिसमें शैक्षणिक विषयों के रूप में कृषि, बागवानी, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग इत्यादि पर जोर दिया था, जिससे ग्रामीण विकास को एक गति मिल सके। उनके अनुसार छात्रों को अपने विभिन्न शिक्षा विकों के साथ साथ स्व सहायता, आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा जैसे मूल्यवान सिद्धांतों को सीखना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने विद्यार्थियों को समाज सेवा पर बल दिया था। उन्होंने भी कहा था कि समाज सेवा के लिए सबसे पहले जरूरत चरित्र बल की जा करती है। मैं मानता हूँ जब आप सब अपने समाज और देश के प्रति संवेदनशील रहेंगे, आप निश्चित तौर पर, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आज जो हमारे जो छात्र छात्राओं के द्वारा जो यहाँ जो डिग्री प्राप्त कर उपाधि विभूषित हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि आपके कंधे पर बहुत बड़ी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, हमारा राज्य भी विकास के पथ पर अग्रसर जाए। यहाँ के किसानों के समक्ष अभी भी काफ़ी चुनौतियाँ हैं। प्रदेश के अंदर तक किसान दिन रात कठिन परिस्थिति में मेहनत करके देश एवं राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपका फर्ज है कि आप किसानों को चुनौतियों को, उनकी परेशानियों को कम से कम करने में, उस अवसर में बदलने में आप शिक्षा का उपयोग करेंगे, उनसे इससे आने वाले समय में आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं अंततः राष्ट्र के विकास में आपका बेहतर योगदान होगा। जाकर समाज कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित होंगे। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा का भरपूर उपयोग कर आप देश के विकास और प्रगति के लिए करेंगे। मेरी शुभकामना है कि आप सभी सफलता के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपका भविष्य उज्ज्वल हो। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।